ये तकरीबन 5 इंच तक बर्फ जम चुकी है और मजीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं ये शीशे पर बर्फ मौजूद है, तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं। दर्ज हरारत इस वक्त तकरीबन कोई 4-5 है, लेकिन इसके बावजूद बर्फबारी हो रही है। पिछले दिनों यहाँ पर माइनस था, लेकिन बर्फबारी नहीं हो रही थी, तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। ये सूरत हाल है और ये खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। तो ये है, इंशाल्लाह आगे मिलते हैं बाज़ार में। मैंने आपको दिखाना है कालाम बाज़ार, और ये होटल आप देख सकते हैं, हॉलीडे रिजॉर्ट, मेरे दोस्त हफरीन खान की होटल है ये। वो वफात पा चुके हैं, इनके बेटे रियाज यहाँ पर होते हैं। तो नज़ारा अगर आप देखें तो यहाँ पर, अगर आप रियाज आपको दिखाएं, पहाड़ तो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, ये बिहार के दरख्त, और आसमान से गिरते बर्फ़ के गालों ने सफ़ेद चादर उल्ली है। काफ़ी शानदार नज़ारा है और मौसम सुहाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है। मतलब मैंने आपको बताया, अभी मैंने चेक किया तो तकरीबन 4-5 है और बर्फबारी हो रही है। मेरे साथ रहे, मैंने आपको आगे लेके जाना है। ये मेरी गाड़ी का मिरर है, आप देख सकते हैं कि कितनी बर्फ जम चुकी है और बर्फबारी का सिलसिला खूब जारी है। आज तीसरा रोज है कि बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कालाम में कल से बर्फबारी शुरू है, और जो बालाई इलाके हैं, फलोगा, महोडन, झील, गबराल, वहाँ पर आज तीसरा रोज़ है। तो शहरी इलाकों में जो 3 दिन गुजरे हैं, शहरी इलाकों में वक्त वक्त से बारिश, जबकि जो बालाई इलाके हैं यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ है, और अगर आपने यहाँ पर आना है तो ज़रूरी है कि आप के पास गर्म कपड़े और गर्म जूते हो, ताकि आप इससे महफूज हो सके सर्दी से। तो बाकी बेहतरीन मनाजिर है यहाँ के, और ठीक ठाक सूरत हाल है। मेरे साथ रहे। बर्फबारी का सिलसिला खूब जारी है, और बर्फबारी के बाद यहाँ पर हर चीज़ ने सफ़ेद चादर उड़ ली है। ये दरिया उतरोड़, और बहुत तेज़ बर्फबारी है। रास्ता भी ग्लेशियर आया हुआ है, एक हिमाल यहाँ पर कह रहा है कि रास्ता बंद है, लेकिन वो जल्द खुल जाएगा इंशाल्लाह। ये सूरत हाल है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आग जलाई जा रही है, और ये मतलब आग से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं।
बर्फबारी भी हो रही है और आग शिल्प मंदोज भी हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, खैर करिए। आप लोग कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? हम मियाँ वाली से आए हैं यहाँ पे घूमने कलाम में। अच्छा, बहुत मजे की जगह है। हम ये समर्स में विंटर्स एंजॉय करने आए हैं और काफी एंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पे अब, क्योंकि क्योंकि स्नोफॉल भी हो रही है सुबह से। तो तो बर्फबारी का सिलसिला खूब जारी है और चूंकि सुबह सुबह है, रश इतना नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी काफ़ी मतलब लोग बहुत आए हुए हैं, ये मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि रात को कालाम में तमाम होटल जो है ना वो भर गए थे। ये गाड़ी जो है ना फंस गई है, इसको पीछे जाना होगा और फिर तेजी के साथ आना होगा, तो फिर ये ठीक रहेगा, अदरवाइज नहीं। तो कालाम बाजार के मनाजिर आप देख सकते हैं, दरियाई उतरोड़, इसको खैर लोग दरियाई उशू भी कहते हैं, दरियाई स्वाद भी कहते हैं। तो ये सूरत हाल है और ये अगर आप देखें तो बर्फबारी जारी है। अस्सलाम वालेकुम। खैर खैर संगे और लड़ागली हुई ना डेर मन ना डेर मन खुशहाल हो से खुशहाल हो से खुशहाल हो। ये सफाई हो रही है, कारकवा कारकवा ठीक छो ठीक छो दे रहा माना ना जी बिल्कुल जखा ना ज्यादा दे चेहरा बंद उत्पत्ति स्केजो कमी हो चेहरा बंद स्केजो पयो को दगा ता पयो को स्केजो हेलो ये अगर आप देखें तो यहाँ पर ये मतलब हलवा पूड़ी पराठे मनाना ना खुशहाल हो सो रहेगा
यहाँ पर ये पराठे आप देख सकते हैं, मतलब गरम गरम पराठे, इस तरफ बर्फबारी और इस तरफ गरम गरम पराठे, हलवा भी है, अंडे भी है। अजय से बिल्कुल क्या कहेंगे अजय साहब? मैं तो कलाम के इस खूबसूरत मौसम के बारे में कह रहा हूँ कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मौसम है। अच्छा। और बहुत ज्यादा लोग एंजॉय के लिए आया है। अच्छा। और ये मतलब 23 मार्च में इतना खूबसूरत बर्फबारी हो रहा है, ठीक तो है। माशाल्लाह ये बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरत चादर जो है चढ़ाए हैं। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह खूबसूरत मौसम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगर आप देखें तो बर्फबारी का सिलसिला अब भी जारी है और काफ़ी बर्फबारी हुई है और मज़ीद बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। ये तकरीबन कोई 1 फुट से ज़्यादा बर्फबारी जो है ना वो हुई है, तो और मज़ीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने यही इत्तला दी है कि आइंदा 24 घंटे आसपास के शहरी इलाकों में बारिश, जबकि बालाई इलाकों में वक्त वक्त से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये सूरत हाल है, मैंने थोड़ा सा आपको ये मनाजिर दिखाने थे। मार्च के महीने, आज 23 मार्च है और मार्च के महीने में ये बर्फबारी आप देख रहे हैं कि खूब बर्फबारी हुई है। तो ये कलाम बाज़ार है और इस तरफ मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये कलाम दरिया स्वात और नीचे वो बहता है, तो ये सारा सूरत हाल है।